Guys, what's up and welcome back to my channel. Hope so you all are doing very well. तो मेरा चेहरा देख के आपको समझ आ गया होगा. Yes guys, happy holi to all of you. जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं उनको भी happy holi. तो ये मेरी फर्स्ट होली है मैं ससुराल में. एंड मैं अचानक से मैं खाना बना रही थी तो पीछे से मम्मी डैडी अचानक से उन्होंने मेरे को बहुत सारा कलर लगा दिया. अभी ये मंदिर गए हुए हैं काके के साथ तो अभी घर पे नहीं है. और देखती हूँ जब आते तो मैं भी इनको खूब रंगने वाली हूँ. और आज ये हम जो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं मैं आप लोगों के साथ में सेलिब्रेट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी क्या क्या एक्टिविटीज़ हम करते हैं पूरा दिन. तो मे बी दी जीजू भी आएँ घर पर बट अभी पक्का नहीं. अगर वो आएँगे तो फिर मैं उनके साथ भी मिलवाऊँगी. काना भी यहीं पे है पर शिवा घर पे है. तो आई विश कि वो लोग आ जाएँ तो फिर हम सारे इकट्ठे मिलके होली खेलें. सो अभी मैं आपको मम्मी और डैडी की कंडीशन बता देती हूँ. उन दोनों को मैंने अच्छा रंग दिया कलर्स में. ये क्या डैडी आपने मुंह भी धो लिया? तो मैंने डैडी को पहले पूरा रंगा हुआ था पर डैडी ने मुँह धो लिया. और मम्मी को दिखाती हूँ मैं आपको. देख सकते हो आप मम्मी को मैंने पूरा रंगा हुआ है और मम्मी यहाँ पे दम आलू बनाने की प्रिपरेशन कर रही है. तो मम्मी इस टाइम पूरी रंगी और हम दोनों रंगे. मतलब मम्मी ने मेरे को रंगा और मैंने मम्मी को. और डैडी ने देखो मम्मी की मांग में सिंदूर भरा हुआ है होली के रंग से. तो अभी जब आते हैं फिर आपको मिलाती हूँ. और डैडी से क्या ही मिलाऊँ क्योंकि मैंने इतना अच्छे से रंगा हुआ था डैडी को. लेकिन डैडी यहाँ पर प्रो बने हुए हैं और डैडी ने सारे कलर्स जो हैं वो मिटा दिए हैं. एकदम साफ़ सुथरे हो गए हैं. बल्कि हल्के से लगे हुए हैं अभी भी इधर इधर इधर. तो उसी में सुपर सुन गाइस बनाएगी वीडियो बनाओ ना गड्डी पर लिपिंग करो. तो गाइस सडनली दीदी और जीजू आ गए और उन्होंने हमारी हालत बड़ी खराब कर दी है. तो मैं जीजू को हमेशा पापा बोलती हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे स्प्रे से पी लिख दिया. टैटू करती हूँ नेहा का. रुको ऊपर से उड़ पे नहीं चाहिए. क्या ये नेहा पर लिख रही हूँ. एना लिख रही हूँ खूनी नेहा. खाता कहीं चल रहा है. अच्छा तो मैंने आपको लगाया है नहीं अभी तक कोई भी रंग. क्या पीछे खा जा रहे हो इधर. मम्मी के ऊपर इस टाइम अटैक होने वाला जबरदस्त. रुको चला मम्मी चुप गई. मैंने डैडी के निकल के रंग रंग वाला करूं करूं लग गया. मैंने डैडी के निकल में पा लिया. डैडी सभी करने लग गया. तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा काना लड़कियों के साथ कैसे छेड़खानी कर रहा है. उनको कलर्स लगा रहा है और उनके घर के अंदर ही चला गया है. काना आ जाओ.
चाची जब आप ग्रेट हो रहा काबू में आए हो अरे बाप रे हेलो हैप्पी होली चलो काले बुखार उतर गया तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे अपने भाई के घर होली खेलने। तो मेरी हाल पहले बड़ी खराब थी, बट मैंने हल्का हल्का फेस वॉश किया, बट कलर सभी भी लगे हुए हैं और टी शर्ट चेंज किया है, तो काना को भी बड़े सारे कलर्स लगे हैं। तो तो मम्मी को भी कलर्स लगे हैं, काके को भी पूरे कलर्स लगे हुए हैं। आप लोग बोलते हैं प्रैंक वीडियो करो प्रैंक वीडियो करो, तो ये सबसे बड़ा प्रैंक होने वाला है क्योंकि हमने घर पे बताया नहीं है और हम लोग घर पे जा रहे हैं कलर्स वगैरह फुल तैयारी के साथ और उनको पता नहीं है हम लोग आने वाले हैं। और अभी फ़ोन भी किया था, हमने बोला कि हम नहीं आ रहे हैं, हम दी के घर पे जा रहे हैं। तो अभी बस हम पहुँचने वाले हैं गेट के पास और हम रेडी हैं, अपनी पूरी मतलब तैयारी हमारी हो गई है और देखते हैं घर पर जाके क्या माहौल है। और यहाँ पे हम अपनी पूरी तैयारी करते हुए अटैक करने के लिए, आर यू रेडी गाइस? हैप्पी होली हरी के लोगों को निकल
यूक्रेन के सर्वे में लगाओ डैडी को पूरा काका लगा ले लगाना भाई को डैडी एक बार मुड़े शो एक बार मम्मी लगा डैडी मम्मी डैडी मम्मी भी लाओ उधर मम्मी पर डैडी ने मुंगे में जो खाओ डैड ओ मोटू हाय तू और तेरा तो सेम मुंह तो ये है मम्मी का सिर पीले तो मुड़ी जैसे बन गए बोले और ये सबसे पहले मैं ही कहूँगी ये बंद गोभी कितनी अच्छी और फ्रेश बंद गोभी है मम्मी बहुत कुछ लगाती है घर पे पुदीना टमाटर वो वहाँ पे बैंगन लगे हुए हैं बड़ी सारी सब्जियां निकाल रही है और ये देखो प्याज कितने सुंदर लग रहे हैं मम्मी सारा कुछ काट के दे दी है मुझे सब्जियां बब्जियां और कल सुबह ही बन जाएंगे आलू प्याज हमारे लाइन में खड़े हैं सारे व्यापारी सब्जी लेने की लाइन में खड़े हैं जा रहे हैं घर पे और मम्मी बाय बोल दो बाय डैडी पीछे देख रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं